हेलो एवरीवन, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है अक्षर। बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं, ये मेरी वीडियो हमेशा उनके लिए होती है, मतलब अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको जो उनको पढ़ाना है वो स्टोरी के माध्यम से या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग को बनाना है, ऐसा इंटरेस्टिंग वे में इनको बताना है जिससे बच्चे समझ जाएँ। क्योंकि बच्चे अभी उनको समझना है, उनको रटना नहीं है, अभी उनका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो पहले अक्षर आएगा तभी तो शब्द लिख पाएंगे, शब्द लिख पाएंगे फिर वो वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, वाक्यों को बना सकते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में बच्चे, क्योंकि पेंसिल उनको पकड़ना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हिंदी हम इंग्लिश तो और मैथ तो आसानी से कर सकते हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें लाइन्स के स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, इन सब के थ्रू इंग्लिश तो आसान होती है लिखना, बट हिंदी में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिंदी जो है थोड़ा सा घुमाव, अक्षर जो होते हैं हिंदी में थोड़ा सा घुमावदार होते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और इसी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन लेके हम आए हैं। जैसे कि हमें कोई अक्षर बताना है बच्चों को, तो क्यों ना फनी वे में उसको बताया जाए, जैसे नंबर्स के थ्रू बताया जाए, या हमको छोटा उ की मात्रा बतानी है तो हम उसको, मतलब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमको आ लिखना है, ठीक है, तो हमको आ लिखना बच्चे से, तो क्या हम सिंपली ऐसे करते हैं कि ये ऐसे ऐसे होता है और ऐसे लाइन खींचते हैं ऐसे जाता है, ऐसे नहीं बताना बच्चों को। उनको थ्री आती लिखने, तो थ्री क्या करेंगे, हम बच्चे से कहेंगे आप थ्री लिखिए, बच्चे ने ऐसे लिखा थ्री, फिर थोड़ा सा इसको कह दीजिए आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, फिर अब स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन, बन गया क्या थ्री। कितना आसान है, अगर वो थ्री करके लिखेगा जैसे आप बोल रहे हैं थ्री, तो बच्चा थ्री करके लिख रहा है, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, तो बच्चे को याद रहेगा कि ऐसे होता है। अब बड़ा और आ लिखने में जब हम बोलते हैं आ, तो मतलब हम ज़्यादा तेज़ से बोलते हैं, ज़्यादा देर तक बोलते हैं, आ आ, आ मतलब हम जोर ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसमें और एक ये छोटा भाई है उसका, और इसका एक बड़ा भाई होगा, तो बड़ा भाई कैसे होगा, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, उसमें एक यहाँ पर डंडी लगाती है, स्टैंडिंग लगाती है, तो बनाता है बड़ा आ, ये आ बन जाता है, दीर्घ आ बन जाता है। तो ये हम देखिए, अब हमको आ सिखाना है कि अ से क्या क्या होता है, तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि अ से अनार, या बस केवल आ से अनार पढ़े ना, आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी से इमली, ऐसे हम लोग पढ़ते थे ना, लेकिन अब तरीका बदल गया है, अ से अनार ही नहीं होता है, अ से आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं आपको उनको बच्चों से फाइंड आउट कराना है, कि आप ढूंढिए कि आपके घर में अ से क्या क्या चीज़ें, अ अक्षर से स्टार्ट होने वाली कौन कौन से आपके घर में चीज़ें हैं, या हमारे स्कूल में है, या हमारे आसपास हैं, और बच्चों से ही उसका आंसर निकलवाइए, और बच्चे उसका आंसर देंगे खुद अपने आप। लेकिन उससे पहले हमको अ से एक, उनको जब अक्षर हम बताते हैं कि आ से क्या क्या होता है, तो हम स्टोरी के थ्रू उनको बताएंगे। स्टोरी में क्या होगा, जैसे अ से अनार होता है, जैसे एक मिनट ये बुक है, जैसे कि ये बुक है, इस बुक में क्या लिखा, अ से अमरूद भी होता है, आ से अश्रु भी होता है, आ से अखरोट भी होता है, आ से अचकन, और आ से अदरक अजगर, और आ से मैंने भी क्या बोला, अदरक, अखबार, मतलब बहुत सी चीज़ें आ से होती हैं। तो ये आपको इन सब को लेके, यहाँ पर अखरोट हो गया, यहाँ पर अदरक भी लिख दें, मुझे याद आ गया तो अदरक भी लिख दें, अखबार, और भी आ से बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको खोजना है। आ से अनार, आ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये देखिए आज आठ चीज़ें मिली, आ से आठ चीज़ें मिली, और अ कैसे बोले, धीरे से बोले, अ मतलब हमने आवाज़ निकाली वो साउंड हमने बहुत स्लो किया, अ जल्दी से बोला। अब जब हम बोलते हैं आ,
तो मतलब हमारे आ मतलब हम थोड़ा देर तक चले, आ मतलब थोड़ा सा इस पर ज़्यादा जोर हो रहा है। पहले हमको आ बच्चों को बताया, मैंने आपको बताया कि थ्री लिखेंगे इसके स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, तो ऐसे हो गया। अब इन सब को लेके हमको स्टोरी बतानी है बच्चों, बनानी है अपने आप से। तो जैसे आ से, जैसे मैंने स्टोरी बताया, आपको भी इसी स्टोरी के थ्रू बच्चों को बताना, जिससे क्या होता है स्टोरी बच्चे रिकॉल करें कि आज से इस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें आई, फिर बच्चा वो स्टोरी बताए। जैसे हमने स्टोरी बताई, एक आपको एग्जांपल देते हैं, आप भी इसी तरह कराइएगा। तो बच्चे क्योंकि स्टोरी सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है स्टोरी सुनने में। और फिर स्टोरी मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो मैंने बताया, हर वीडियो में बताती हूँ कि स्टोरी बच्चों का बहुत प्रिय है, बहुत उनको सुनना पसंद आता है कि कोई कहानी उनको सुना दे, और कहानी के थ्रू उनको समझ में आसानी से कोई चीज़ आ जाती है। तो हम क्यों ना अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाएं, बच्चों के लेवल बताएं, जिस तरह बच्चों को समझ में आए उसी तरह हमको अपना टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए। तो हमने जैसे आज से स्टोरी बताई, तो हमने बताया बच्चों को बुक बिल्कुल बच्चे नहीं खोलना है, बच्चों को आप बिल्कुल मत बुक खोलिए। आपने आपको पता है कि आज हमको पढ़ाना है, आप सीधे बच्चों को अपने पास बिठा लीजिए, मैट हो तो मैट पे बिठा लीजिए, और बच्चों से बोलिए कि आज हम आपको आज से रिलेटेड आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, और आप बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप ये पूछेंगे कि आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान सुनेंगे स्टोरी। वैसे बच्चे ध्यान सुनते, लेकिन जब आप कहेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर बच्चे बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे कि अब मुझे तो सारे क्वेश्चन आना चाहिए, तो हम सभी के आंसर देंगे, और जल्दी से और सबसे जल्दी हम ही देंगे। तो इससे क्या होता है, जैसे आज से, जैसे मैंने स्टोरी, मुझे एक मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ। अमन नाम का एक लड़का था, और वो उसके पास अमरूद और अखरोट था, और वो जा रहा था अपने घर, और उसने अपने घर में जाने के लिए उसने क्या पहन रखा था, अचकन पहन रखा था। और फिर वो जा रहा था, उसको रास्ते में एक अश्व दिखाई पड़ा, और अश्व उसको दिखाई पड़ा, फिर थोड़ी देर चला, उसको बहुत तेज़ से भूख लगी, तो उसने क्या किया, अनार बाज़ार गया, और वहाँ से क्या लिया, अनार लिया, और वो अनार कहाँ लेके गया, अनार अपने घर लेकर गया, बहुत गया घर, और घर में जैसे देखा तो उसके पिताजी क्या कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, और मम्मी चाय बना रही थी, और चाय में क्या डाल रही थी, अदरक, मम्मी चाय में अदरक डाल रही थी। और मैंने देखा वहीं पर किचन में एक बहुत बड़ा सा अजगर था, और मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी देखो अजगर आया है, तो मम्मी आई और पिताजी से बोली कि अजगर आया है, उन्होंने आवाज़ लगाई, और इसके बाद उसको डंडे से भगा दिया। तो आपने देखा बच्चों की जो स्टोरी मैंने बताई उसमें क्या क्या चीज़ें आ गया, अमरूद भी आ गया, अश्व भी आ गया, अखरोट भी आ गया, अदरक भी आ गया, अचकन, अजगर, अखबार और अनार, ये सब चीज़ें आ गई। और आपको जो भी चीज़ें याद है और भी ज़्यादा याद है आपको और से रिलेटेड, वो सब आप इस स्टोरी में इंक्लूड करेंगी। इसके बाद ये आप अब बच्चों से पूछेंगे कि अच्छा ये स्टोरी कैसी लगी, तो बच्चे बोलेंगे बहुत अच्छी लगी, अच्छा इसमें बताओ आज से कौन कौन से शब्द आए, तो बच्चा सब बच्चे बहुत ज़्यादा उनके बच्चे बताएंगे, एक एक बच्चा बताएगा। तो हमको यहाँ पर उसका फिगर बनाना है, मतलब अनार का यहाँ पर पिक्चर, जो जो बच्चे जैसे बोलते हैं वैसे हम वैसे वैसे हमको उसका हमको फिगर बनाना है। थोड़ी सी मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चों को बताना है,
और ये हो गया आ से अनार, फिर आ से अजगर, फिर आ से अचकन, अमरूद, जो भी चीज़ें होती हैं आपको यहाँ पर इसकी पिक्चर बनानी, आ से अनार की पिक्चर बनानी है, और इसके बाद क्या बनाना है, आ से थोड़ा सा मुझे आर्ट मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको बस केवल समझाने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे ही आपको बताना है बच्चों को। आ से अनार, आ से अजगर, आ से अचकन, आ से अमरूद, आ से अखबार। अखबार तो बना ही सकते हैं, लीजिए अखबार हमारा बन के तैयार हो गया है, कुछ भी लिखा हुआ है तो आ से अखबार, यहाँ लिख भी देना अखबार, अखबार। अभी बच्चे को आ ही लिखा है, आ ही अक्षर उसको बताया गया, अभी केवल आ अक्षर बताया, लेकिन यहाँ वो अ ख, अब देखिए ख उसको पता नहीं, लेकिन ख बा र अखबार, ये भी पढ़ के बताना, ताकि अगर अ ख बाद में कभी आए तो बच्चे को याद रहे कि ख है। इसी तरह अनार, और इसके बाद आ से अदरक, ये है अदरक, ऐसे ही सारी चीज़ें हमको, आ से अखबार हो गया, आ से ना, आ से अदरक, आ से अचकन हो गया, आ से अजगर हो गया, और आ से अमरूद भी हो गया, आ से अमरूद, और भी जो भी। अच्छा, अब इतनी चीज़ें बच्चों से आप बच्चों ने बना ली, अब इतनी चीज़ें बच्चों ने बना ली हैं, अब इसके बाद ऐसे ही आपको आ बड़ा आ की करना है, दीर्घ आ का करना है, फिर ई की करनी, फिर ई की करनी है बड़ी की करनी, फिर ऊ की करनी, फिर बड़ा ऊ की करनी, ऐसे ही आपको सारी की स्टोरी बना के, सारे की स्टोरी बना के, और मैं आपको बताऊंगी कि ई कैसे लिखना, ई किस टाइप का लिखना है, फिर ऊ किस टाइप लिखना है, ऐसे जैसे आपको बड़ा का मैंने बता दिया, आकर इसका बड़ा भाई होगा तो इसमें स्टैंड लाइन लग जाएगी, बच्चों को ऐसे बताना है, और ई कैसे लिखना है तो ई के लिए ये देखिए स्टैंड लाइन खींचा, और हल्का सा स्नैक खींचा, स्नैक कैसे होता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसे कर दिया और इधर ऐसे घुमा दिया, ये हो गया ई। ये बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसको लिखने में, इसको बार बार प्रैक्टिस होगा, लेकिन हम स्नैक बोलेगा, स्नैक कैसे होता है, ऐसे ऐसे घुमाता होता है, तो इसी तरह बच्चों को आपको बताना है, स्टोरी के थ्रू सिखाना है, छोटा बड़ा आ ऐसे ही सारी, और बच्चे इसको कलर करेंगे, सारे को कलर करेंगे और ये सब लिखेंगे। जो छोटे बच्चे हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको केवल पिक्चर ही बनाएंगे, वो केवल पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि बहुत से स्कूलों में डायरेक्ट बस UKG क्लास से ये अक्षर ज्ञान होता है, ना से LKG में नहीं होता है, तो ये अक्ष इनको ये नहीं लिख के आएगा, लेकिन आपको लिखना है, ये आपको लिखना है, बच्चे केवल फिगर बनाएंगे, लेकिन बच्चे इसको पढ़ेंगे ज़रूर, आपको लिखना है और बच्चे इसको फिगर बनाएंगे, अगर बच्चे थोड़ा सा पढ़े हैं इसको लिख लेते हैं तो इसको लिख भी लेंगे, वरना आप बच्चे ड्राइंग बनाएंगे और आप उनकी कॉपी में आपको लिखना है जो लिखा हुआ है, और वो नहीं लिख पाते तो आपको लिखना, और बच्चे सारे कलर करेंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली बार किसी और टॉपिक के साथ, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।